कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक एक्शन में किया दौरा। अजमेर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है। आज संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने JLN मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोविड-19 के प्रभारी डॉक्टर्स की टीम के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आरुषि मलिक ने बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि शहर में कोरोना वायरस के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक बात है। ऐसे में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ WHO द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है। मलिक ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बैठकर कोविड-19 के दौरान JLN मेडिकल कॉलेज व JLN अस्पताल के द्वारा मरीजों के इलाज संबंधी भी जानकारी ली है। साथ ही मलिक ने कहा कि आने वाले समय में अजमेर में टेस्टिंग को और बढ़ाया जाएगा। इसके बाद संभागीय आयुक्त कोविड-19 यूरोलॉजी विभाग पहुंची और सस्पेक्ट मरीजों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं उसके बाद आरुषि मलिक हॉटस्पॉट बन रहे पहाड़गंज व डिग्गी बाजार क्षेत्र में भी पहुंची, जहां पर उन्होंने होम क्वारंटाइन मरीजों की व्यवस्था के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, जहां इस दौरान संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। बेसिकली चूंकि आप सबको विदित है कि अभी भी कोविड की जो महामारी है उससे हम न सिर्फ जूझ रहे हैं परंतु संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें किस तरह से हम जन जो जागरूकता है उसको भी बढ़ा सकें और जो विभिन्न तैयारियां हैं हमारे मेडिकल कॉलेज स्तर पर उसको रिव्यू करने के लिए आज यहाँ एक तो मेडिकल कॉलेज में हमारे सभी कोविड इंचार्जेस हैं उनके साथ बैठक हुई और उसके पश्चात भी मेरे पेशेंट्स या पेशेंट्स की जो अटेंडेंट थी उनसे डिस्कशन हुआ है। जो चीज़ निकल के आई है वो एक तो यह है कि सैम्पलिंग हम अगर जो हमारे स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स हैं इनकी तुरंत होके तुरंत रिपोर्ट आए, 4-5 दिन इंतज़ार न करना पड़े, ये एक चीज़ है। साथ ही कंज्यूमरेबल्स जो ख़त्म हो रहे हैं टेस्टिंग के लिए, जिसकी वजह से कुछ दिनों पूर्व हमें सैंपल के लिए बीकानेर या इवन भिलवाड़ा टेस्ट सैंपल्स भेजने पड़े, वो भी तुरंत उसके वे अवेलेबल हो जाएं। साथ ही किस तरह से हमारा जो एडिशनल स्टाफ है वो हमारी जो टेस्टिंग जो पूरा सेक्शन है माइक्रोबायोलॉजी वाला उनको मिल जाए, इस हेतु डायरेक्शंस दिए गए। अब मैं इसके बाद में डिग्गी बाज़ार और जहाँ हमारे अधिक पेशेंट्स रहे हैं कंटेनमेंट जोन किस तरह से उसको हम इफेक्टिवली कर रहे हैं उसको भी मैं अभी विजिट करूँगी।